लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले निकाय चुनाव में सपा और रालोद की दोस्ती का रंग बहुत गाढ़ा नजर नहीं आया। कई बयान ऐसे आए जिसने दोनों दलों के गतिरोध महसूस हुई, जिसके बाद गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन उन अटकलों पर अखिलेश ने फिलहाल विराम लगा दिया है। सपा के पूर्व विधायक शारदा देवी के दिवंगत पति स्वर्गीय रामलखन प्रसाद को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रालोद के साथ गठबंधन पर खुलकर कहा कि दोनों दलों की दोस्ती में कोई दरार नहीं, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने गठबंधन के बूते इस बार 80 सीटों पर भाजपा को हराने का संकल्प भी दोहराया। अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा, और हम आपसे भी कह रहे हैं आप लोग भी सहयोग करिए। सपा और आरएलडी के बीच तनातनी पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने तीखा तंज कसा है और सपा को लेकर आरएलडी नेताओं के बयानों को जायज ठहराया। इतिहास है समाजवादी पार्टी, लोगों को साथ लेकर चलने का उसका कोई इतिहास नहीं है, वो खुद गठबंधन धर्म निभाती नहीं है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। जाहिर तौर पर अखिलेश गठबंधन जारी रहने तक दम ठोक रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों आए रालोद नेताओं के बयानों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार रणनीति बना रही। यूपी में विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्षी दल लगातार एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी संघ गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल आगे दिख रही है। निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी सड़कें नाप रहे हैं। इसी के मद्देनजर जयंत आगरा पहुंच किसानों की नब्ज टटोल रहे हैं और समरसता अभियान के तहत साथी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। पीढ़ी अब नए तरीके से सोचती है, आप जातिवाद का उदाहरण ले लो, जो खासतौर से नई पीढ़ी है उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन अभी भी बंटवारे पुराने जिंदा हैं, तो इसलिए ज़रूरत है कि हमेशा हमें निरंतर कार्यक्रम चलाने होंगे। हम ये सोचेंगे भाईचारा बन गया, एक चुनाव में हमने भाईचारा जिंदाबाद का नारा ले लिया, नतीजा अच्छा आ गया, बस अब हम घर बैठ जाएं, नहीं, निरंतर सतर्क रहना है हम लोगों को। मैं कभी मेरे कहीं भाषण में ये जाट शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता, बट ये चीज़ें थोपी जाती हैं। दरअसल आरएलडी को लगता है कि यूपी में ऐसी 12 सीटें हैं जहां उनकी पार्टी जीतने की ताकत रखती है। अपनी ताकत का सबूत देते हुए पार्टी पहली बार उन 112 प्रत्याशियों को सामने ला रही है जिन्होंने नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस हमारी एक साझा दल है, राजस्थान में हमारी भागीदारी उस सरकार में भी है, हमारा गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ था। गंभीर नेता हैं और बहुत लंबा इनको अनुभव है, ये बात है कहना कि मैं इसमें मध्यस्थ बनूंगा, किसी को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती। ऐसे में रालोद को कांग्रेस के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर रालोद 2024 के चुनाव के लिए अपनी बार्गेनिंग पावर की एक झलक दिखाने की कोशिश की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।